मेरे मन में जो क्राइम कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, भाई क्राइम तो क्राइम ही है। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। शबनम की फांसी को लेकर इस समय पूरे देश में चर्चाएं हैं, लेकिन इस फांसी को कौन देगा, उसका नाम है जल्लाद पवन, जो कि मेरठ का रहने वाला है। जल्लाद पवन आज खुद बताएगा कि वो किस तरह से शबनम को फांसी देगा। जल्लाद पवन ने कहा है कि उसके लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरोपी महिला है या कोई पुरुष। आपको बता दें कि इसके पहले पवन जल्लाद ने ही निर्भया के चारों दोषियों को अपने हाथों से फांसी दी थी, और इस बार पवन जल्लाद पहली महिला को फांसी देगा जिसने इस उत्तर प्रदेश का अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा अपराध किया है। पवन जल्लाद का कहना है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपराधी अपराधी है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष। आप भी सुनिए पवन जल्लाद ने क्या कुछ कहा। अभी तो कोई संदेश नहीं अभी बथरा से। हाँ जी, क्या पता लगा पूरा मामला? ये बता बता रहे कि शबनम हो सकता है, फांसी हो सकती है उसको। अच्छा, बथरा में तो अभी कुछ चेक वेक करके आए वहाँ पे क्या? मैं एक साल पहले गया था, अभी थोड़ा बहुत चेक करके आया था, ठीक ठाक है वैसे, थोड़ा बहुत तो बाकी बात में कर लेंगे जो भी कुछ होगा। क्या क्या चेक करा वहाँ पे? बस ये भाई लीवर पीवर सब सही है, थोड़ा सा तख्त तेरा खराब तो वो भी सही कर देंगे उसको भी। क्या लगता है अगर बुलाया जाएगा जाओगे? बिल्कुल मैं रेडी हूँ, अगर मैं मुख्यालय नकली खबर आई तो मेरठ जिला या मेरठ जेल से मुझे बता दिया जाएगा। ये अनुभव कुछ काम आएगा जो पहले जो कर चुके हो? बिल्कुल बिल्कुल वही अनुभव है जो वहाँ चार का हुआ, तो वही सेम वही है। क्योंकि वो जेंट्स थे, ये देखो जो क्राइम करता है मेरे लिए देखो जेंट्स भी बराबर है और जो महिला भी मेरे लिए बराबर है, क्योंकि क्राइम तो क्राइम ही है। जो बड़ा खतरनाक जिगलोरी जो है क्राइम किया उन्होंने अपने बहन भाइयों को, अपने माँ बाप को जो है जहर दे के जो मारा, कुल्हाड़ी से मारा, ये बड़ा दर्दनाक उन्होंने जो हादसा किया है। बिल्कुल बिल्कुल क्राइम जो भी तो सुधार आएगा क्राइम में। जी वैसे लगी वैसे कई महिला कतार में लगी हुई है, लेकिन ये पहली महिला होगी जिसको फांसी होगी। अलग से फील अनुभव होगा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अनुभव तो मेरे पास पूरा है। जेंट्स को दी हाँ, तो महिला का वही प्रोसीजर होगा जो भाई जेंट्स का है। जी 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 कोई ऐसी कला नहीं है, वही कला है जो पुरुष में होती है। मेरे मन में जो क्राइम कोई भी हो, महिला हो या पुरुष हो, भाई क्राइम तो क्राइम ही है, भाई उसको भी फांसी की सजा है। जैसे क्राइम में पुरुष को भी फांसी की सजा है, तो कोई इसमें वो नहीं है। लगातार इस तरह से अपराधियों को फांसी की सजा मिलेगी तो क्या लगता है इसका कुछ संदेश जाएगा फिर इसका समाज? क्यों नहीं जाएगा, महिलाओं को भी जो है भाई संदेश जाएगा कि भाई जो ऐसी दर्दनाक हादसा करते हैं महिलाओं को भी जो है वो होगी भाई, वो भी ऐसा क्राइम नहीं करेगी। अपने बहन भाइयों के, अपने माँ बाप को जो मारा वो बड़ा दर्दनाक हादसा था। निरीक्षण क्या था भाई, तो थोड़ा सा उसका थोड़ा बहुत खराब शराब तो उसे ही कर लेंगे, वैसे वो ओके है वैसे तो। क्या तो देखा आपने कि पवन जल्लाद ने किस तरह से बिल्कुल इस बात को साफ किया कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने कोई महिला है या कोई पुरुष, वो सिर्फ एक चीज देखता है कि सामने जिसने अपराध किया है उसका अपराध कितना बड़ा है, और अगर उसका अपराध बड़ा है और क्षमा योग्य नहीं है तो उसे फांसी देने में कोई तकलीफ नहीं होती। ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।